हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है जफर। तो पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसका वॉच टाइम इतना अच्छा था कि मुझे इसी कंटेंट पे रहने पे मशहूर किया गया है। और आज जो वीडियो देख रहा हूँ वो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एड्स, जिसको हम रिव्यू कर रहे हैं। देखते हैं क्या डिफरेंस है पाकिस्तान और इंडिया के। ओके, नहीं देगी क्यों नहीं होता मेरा निखार हुआ पुराना, अब फेयर एंड लवली देगी HD ग्लो वॉच। बेशक ग्लो टेक्नोलॉजी वाली फेयर एंड लवली, ये गहराई में जाकर डार्क स्किन सेल्स को रोशन करे, और दे HD ग्लो। तो अब से सिर्फ निखार नहीं HD ग्लो फेयर एंड लवली। कॉफी अब से फेयर एंड लवली निखार नहीं, क्यों नहीं देगी क्योंकि सिर्फ निखार हुआ पुराना, अब फेयर एंड लवली देगी HD ग्लो। फेयर एंड लवली HD ग्लो, ये गहराई में जाकर स्किन सेल्स को रोशन करे, दाग धब्बे घटाए, और दे HD ग्लो। तो अब से सिर्फ निखार नहीं HD ग्लो फेयर एंड लवली, नए जमाने का ग्लो अब नहीं। यार एक बात तो कंफर्म मैं कहना चाहूंगा इधर कि ये जो एड है ना, ये Xiaomi पे ही अच्छा लग रहा था। जो ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल का कॉन्सेप्ट जरा ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके अंदर बहुत से निकल के आएंगे पाकिस्तानी कॉपी कॉपी कॉपी, इसके अंदर कंपैरिजन नहीं बनता क्योंकि इंडिया चाइना पाकिस्तान जिधर जिधर भी ये फेयर एंड लवली है, जिस तरह की पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट यूज हो रही है, इंडिया में प्रोडक्ट यूज हो रही है, इनका सबका कंटेंट सेम होता है, एक्टर्स डिफरेंट होते हैं। ये आप लोगों को समझ लेना चाहिए, ये दिमाग में बिठा लेना चाहिए। कॉपी शॉपी कोई नहीं होता, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं तो 11 इधर हैं, 11 ही प्लेयर हैं। सेम कॉन्सेप्ट इसी तरह ही है, कंटेंट सेम है, कंटेंट चेंज नहीं कर सकते। वॉशरूम तो वही रहना है ना कि चेंज हो जाना है, वो मुंह सॉरी वॉशरूम नहीं मुंह। उभे टोकते हैं इतनी डार्क लिपस्टिक, इतने बड़े इयररिंग्स, ऐसे मत बैठो, इतना मत झुको, वो मत पहनो, लोग चाहे जो भी कहें, खूबसूरती पे हक है हमारा। और मेरी खूबसूरती की शुरुआत होती है लक्स से, जिसमें है 7 ब्यूटी तत्वों से बना फ्लोरल ब्यूटी ऑयल। ये कोमल त्वचा, ये लक्स बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा, खूबसूरती पे हक है हमारा होना चाहिए। हम सब ने ये जरूर सुना होगा, ओवर लग रही हो, इतनी डार्क लिपस्टिक, इतनी ऊंची हील्स, जोर से ना हंसो, ठीक से बैठो, लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है बातें बनाना, पर खूबसूरती से क्या शर्माना। और मेरी खूबसूरती की शुरुआत होती है लक्स से, जिसमें है 7 ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स, जो दे मुलायम चिल और महकता है मुलायम चिल। खूबसूरती से क्या शर्माना। अगर तो इसी तरह कॉन्सेप्ट है कि फीमेल ही मिलती है तो बॉयज क्या करेंगे, बॉयज कौन सा साबुन यूज करेंगे, सोचना पड़ेगा। और जिस तरह फेयर एंड लवली एड विन किया है इंडिया ने, और ये भी किया है इंडिया ने, ओरिजिनल लगता है ये। इस बात से हमें अंदाजा लगा लेना चाहिए कि इंटरनेशनल लोग पाकिस्तान और इंडिया को लेके कितना कॉमन है। उन्होंने सोचा हुआ है कि ये दोनों के दिमाग सेम है, इन दोनों के खाने सेम है, इन दोनों के प्रोडक्ट सेम है, और इन दोनों को बेचना है डिफरेंट प्राइस पे, ये बगैर सॉरी तो है, ये है फैक्ट है। मेरे ख्याल से बहुत गंदा फैक्ट है जो आप लोगों को नजर आता है, और इसी तरह से हम लड़ रहे हैं, क्रिकेट में भी लड़ रहे हैं, और इंटरनेशनल मीडिया कैश करता है उसको, पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस को, जैसा कि अब होना है एशिया कप में। हर घर सोच मिशन पे आज हम आए हैं मुंबई की मिसेस बत्रा के घर, मिसेस बत्रा के। ओके, क्या आप इस मिशन में शामिल? जरूर, पर पहले तैयार खड़ी थी। बस एक सवाल, आप अपना टॉयलेट किससे साफ करती हैं? डिटर्जेंट से, सालों से कर रही हूं। मैडम टॉयलेट के दाग कपड़ों के दागों से अलग होते हैं, टॉयलेट में होते हैं खारे पानी और जंग जैसे कड़े दाग। डिटर्जेंट नहीं, आपको चाहिए इंडिया का नंबर 1 टॉयलेट क्लीनर, आप एक 10/10, इसका गाढ़ा फॉर्मूला मिटाए परफेक्टली क्लीन टॉयलेट। मान गए अक्षय, ये तो तैयार। अब अगला घर आपका। ओके, पाकिस्तानी, ओ एहसन, मिसेस खान के घर। ओह माय गॉड, ओए मिसेस बद्रा, मिसेस खान कैसे बन गई? लड़की सेम है ना, मुझे लग रहा है सेम है, मुझे लग रहा है ना, लड़का चेंज कर दिया, पीछे एक्टर भी वही है, शक्ल शायद ये चेंज कर दिया, कोई पता नहीं, ये AI बहुत खतरनाक है। क्या आप इस मिशन में शामिल होंगे? जरूर, मगर कैसे? बस एक सवाल, ऐसे करके रोज डिटर्जेंट से और पीलेपन के लिए तेजाब से, सालों से कर रही हूँ,
मैडम डिटर्जेंट कपड़ों की धुलाई और तेजाब ड्रेन खोलने के लिए है, कमोड की सफाई के लिए आपको चाहिए 10X। ये 10X है और 10 और 10 है वो। इसका कड़ा फॉर्मूला कमोड पे ठहर के तेजाब के मुकाबले कंपनी सेम है, सफाई मान गए ऐसे। ये तो बन गया इस मिशन का हिस्सा। अब नहीं भाई, मैंने नहीं आने देना अपने घर, सॉरी माजरत है, नहीं मैं प्राइवेट जगह पे नहीं जाने दूंगा। आप लोग बस करो पब्लिक सिटी करना, ओके बंद करो ये बकवास। और एक बात आप लोगों ने नोट की होगी कि हम लोग सब वीडियोस के अंदर ऐड को स्किप करके देखते हैं और अब हम वीडियो एड्स की ही देख रहे हैं। चीज की है में तुम बिना मेकअप के भी खूबसूरत लगी, लेकिन रोड पर बिताए वो 52 मुश्किल दिन किसी को नजर नहीं आए। हालिया तुम हो सबसे छोटी पर मेहनत करने में सबसे बड़ी। दीपिका की वॉइस है दीपिका। करीना डियर करीना, अपनी करियर के बुलंदी पे तुमने चुना चमेली जैसा रोल, पर उन गलियों में जो वक्त आया किसी ने नाच रही है। तुम हो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन आलिया। हे सुपरस्टार, मुझे याद है आई नो मुझे याद है उधर लक्स की जरूरत थी। ओह सॉरी लव करीना लक्स स्टार स्टोर लक्स की है कई ज्यादा मिलिए उनसे सिर्फ लक्स गोल्डन रोज अवार्ड्स पर। कौन कहता है हम स्टार्स एक दूसरे के फैंस नहीं हो सकते। ओके रीमा जी करोड़ों फैंस के दिलों पे राज किया और आज भी हम सबसे ज्यादा सीखने की जस्तजू, इसीलिए आप हैं मेरी इंस्पिरेशन, योर बिगेस्ट फैन माहिरा। डियर माया, इतने कम अरसे में मनु ने सबका दिल जीत लिया, पर इस कोशिश में कितनी दुश्वारियां आई कोई नहीं जानता। माया तुम्हारी इसी लगन ने मेरा भी मन मायल कर दिया। लव रीमा। माया हे सुपरस्टार, से इंटरनेशनल स्टेज तक एक चीज और नोट किया मैंने, परिसर में कितनी मेहनत की कोई नहीं जानता। माहिरा आपका यही हार्ड वर्क मुझे आपका सबसे बड़ा फैन बनाता है। लव ये स्टार्स जो है एक दूसरे के फैंस, सब है नए लक्स की फैंस, इसमें है नया फ्लेवर ब्यूटी। वैसे एक बार नोट किया है, एक्टर चेंज है, स्टोरी सेम है, कंटेंट सेम है, उसके अंदर हिंदी लैंग्वेज और पाकिस्तान लैंग्वेज वर्ड डिफरेंट है, बट समझ सबको आ रही है। कैसा ये चीज़ है, ये कैश कर रहा है, सारा दुनिया कैश करती है, पाकिस्तान और इंडिया वालों आप भी कैश कर लो, एक दूसरे के साथ सही से रह लो। मेरा मैसेज यही है, एट द एंड दोनों एड्स अच्छे हैं, दोनों कंपनी सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बेहतर है, एक्टर चेंज है भाई, एक्टर ये प्यारी है, हम इसके अंदर सिर्फ ये कर सकते हैं। पैसा एट द एंड पैसे की गेम है, पैसे वाले जीत रहे हैं, ना आप जीत रहे हो ना हम जीत रहे हैं, कौन जीत रहा है, कंपनीज जीत रही हैं, पैसा जीत रहा है। तो मेरे ख्याल से इससे मुझे मैं आप लोगों को ये मैसेज दूंगा कि दिल लेख कर लो भाई, सब सही हो जाएगा, एक दूसरे के साथ नफरतें ख़त्म कर लो। तो मैं अपनी वीडियो में पॉजिटिविटी ही शो करता हूँ और यही करता रहूँगा और डिफरेंट स्टाइल से करता रहूँगा। ऑप्सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है बिलियो तो सुनो तो लाइक तो कमेंट कर लाजमी, तो मैंने भी पता लगे क्या वीडियो तो कुछ हो रहा है, तो मैं और वीडियो लेके आवा, तो मिलते हैं अगली वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।